अगर कहने जाएं तो मीरा भाईंदर में रेस्टोरेंट और बार की कोई कमी नहीं है और साथ साथ लेडीज बार भी यहां पर 127 कुल मिलाकर बार और रेस्टोरेंट है जिन पर हर आए दिन पुलिस द्वारा कार्रवाई होती रहती है और ये वेश्यावृत्ति में लिप्त पाए जाते हैं। इसके बावजूद मीरा भाईंदर में वेश्यावृत्ति मार्केट सड़कों पर भी होती है और कई दिनों से ये सब गोरख धंधा वेश्यावृत्ति का चल ही रहा है, लेकिन अब वेश्यावृत्ति रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रही है। दरअसल आज जीवनधारा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद और राष्ट्रीय महिला महासचिव प्रिया कुलकर्णी सहमति से भाईंदर रेलवे स्टेशन के बाहर होने वाले वेश्या व्यापार पर रोक लगाने के लिए आज इस संस्था ने विधायक प्रताप सरनाईक को ज्ञापन दिया और नवघर पुलिस स्टेशन में भी एक पत्र दिया, जिसके बाद वहां के पुलिस निरीक्षक विजय पवार ने 1 घंटे के अंदर ही इस पर कार्रवाई की। जीवनधारा संघ के शहर उपाध्यक्ष शुभम मिश्रा का क्या कहना है इस विषय पर, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं सुबोध मिश्रा, जीवनधारा संघ का मैं भाईंदर शहर का शहर उपाध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ और हमारे शहर में वेश्यावृत्ति की बहुत सारी घटनाएं हो रही थी जो स्टेशन से लेके वीपी रोड तक की एरिया में इस बात की शिकायत हमारे पास आ रही थी। हमारी एनजीओ ने सामूहिक बैठक लेके इस बात का निर्णय लिया कि हम प्रशासनिक अधिकारी से लेके समाज के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करेंगे। उस तहत हमने आज के तारीख में हमने सब जगह पत्र व्यवहार किए और उसके बाद में हमारे नौगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI विजय साहब ने विजय पवार साहब ने कंप्लेन होने के 1 घंटे के बाद ही हमें बुलाए और बुलाते त्वरित कार्रवाई को उन्होंने करवाई। इसमें 15 से 20 महिला को उन्होंने अरेस्ट किया और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि इस तरह की कार्रवाई हम कंटिन्यू करेंगे और समाज के प्रति हम तत्पर रहेंगे। इसके लिए विजय साहब का हमारे NGO की तरफ से तहे दिल से उनको धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने नेक सामाजिक काम के लिए हमें सहयोग किया। जीवनधारा संघ संस्था के इस बहुत ही अनोखी पहल में आज उस टीम ने बखूबी काम किया है। इस टीम में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बिरजू चौधरी, महाराष्ट्र प्रदेश महिला महासचिव पूजा सिद्धू, मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष जीतू पाटिल, उपाध्यक्ष सुबोध मिश्रा, सचिव सोनू सिंह, थाने शहर महिला अध्यक्ष हस्मिता जायसवाल, मीरा भाईंदर महिला अध्यक्ष रंजीता जायसवाल, ये सभी इस कार्य में शामिल थे। ये कार्य बहुत ही सराहनीय है और इस तरह का कार्य आज तक मीरा भाईंदर में लगभग किसी ने इस तरह से आवाज नहीं उठाई है, क्योंकि लोग पुलिस और इन वेश्यावृत्ति में शामिल गुंडों से डरते हैं, लेकिन समाज इस तरह के घिनौने काम के लिए कब तक चुप्पी साधे रहेगा और नहीं बोलेगा, इसका असर आने वाली पीढ़ी पर कितना पड़ रहा है, आज के जो नवयुवक है उन पर ये इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। दिन पर दिन इस तरह के घिनौने कार्य सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं और रूबरू की टीम की तरफ से जीवनधारा संघ संस्था को बहुत ही बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरीके से वो कार्य करती रहे। और नवघर पुलिस ने भी सराहनीय कार्य किया है और 1 घंटे के अंदर ही इस कार्य को अंजाम दिया है।